अरे बेटी ज्योति, तू कब आई? चल अंदर चल। सावित्री माँ, क्या ये आदमी ऐसे ही झगड़ा करता रहता है? अरे जोर से मत बोल, कहीं उसने सुन लिया तो पागल कुत्ते की तरह काटने को दौड़ाएगा। चल अंदर चल। चिको, चिको, चल, चल, चलना, चल। ए टेलर की जोरू, यहाँ के फाड़ फाड़ के क्या तमाशा देख रही है? यहाँ कोई नंगा नाच हो रहा है? चल अंदर, नहीं तो बदन की हर सिलाई खोल के रख दूंगा। चल भाग। सावित्री माँ, क्या इसे कोई डांटने वाला नहीं है? अरे इस मुए से कोई आंख मिलाने की हिम्मत नहीं करता, और तू डांटने की बात कर रही है। कहते हैं शनि ग्रह जिसे पकड़े उसे ज्यादा से ज्यादा 22 साल तक की मुसीबत रहती है, लेकिन ये ऐसा साक्षात शनि है, जब तक जिंदा है हम लोगों की जान गले में अटकी रहेगी। भगवान से यही प्रार्थना है तुम्हारे साथ कुछ न हो। अरे सावित्री बहन, तुम्हारे घर में ये मेहमान कौन आई है? तुम्हारे रिश्तेदार है क्या? देखो चेहरे से क्या ये मेरी रिश्तेदार लगती है? अरे अगर ये चाहे तो पूरी बस्ती को खरीद ले, लेकिन मेरे लाख रोकने के बावजूद भी छुट्टी गुजारने के लिए मसूरी शिमला कश्मीर जाने के बदले यहाँ चली आई। पता नहीं इसे क्या सूझी। वो क्या है कि वो ऐसा है कि मैं बस्ती में रहने वालों पर एक नॉवल लिखना चाहती हूँ। अगर खुद से कल्पना करके लिखूंगी तो उसमें सच्चाई नहीं आएगी, इसलिए यहाँ चली आई। तुम कुछ घरेलू कहानियां भी लिखना, मुझे यहाँ के हर घर की कहानी मालूम है, मैं तुम्हें सब बता दूंगी। हाँ हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारा तो काम ही चुगली करके आग लगाना है। खबरदार जो इसे किसी बात में घसीटा। तो चल चल, इसे तो अच्छी बात बोलो तो भी कड़वी लगती है। चल उस्ताद मैं भी चलूं। आए अबे ओ, नमस्ते। क्यों बे, पूरे मोहल्ले को तू लेटर देता, मुझे क्यों नहीं देता? आपका कोई लेटर आता ही नहीं तो दूंगा कहाँ से? अरे आएगा कहाँ से, कोई डालने वाला होगा तो ना। एक बात बताऊं, अपने को कोई लेटर डालना है ही नहीं। जानता हूँ। जानता तो फिर अपनी तरफ से क्यों नहीं डालता? तेरे को तनख्वाह किस बात की मिलती है? तनख्वाह कितनी मिलती है? 760 रुपए 50 पैसे। 760 रुपए 50 पैसे, तो एक काम कर, 50 पैसे का मेरे नाम से तू लेटर डाल दे, नहीं तो 760 रुपए का मनी ऑर्डर कर दे। अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को जो सूट कर दे तू कर। लेटर ही डाल दूंगा। एक हफ्ते में एक जरूर डालना, वरना तुझे टुकड़े टुकड़े करके लेटर की तरह रिश्तेदारों में फट डालूंगा। चल भाग यहाँ से और साइकिल यहाँ रखे जा। ये साइकिल सरकारी नहीं, मेरी है। तो मैं क्या करूं, तेरी आरती पर बैठकर जयकाल को मिलने जाऊं? चल भाग यहां से। अरे देखो पहिए की हवा निकल गई। ये कहां से टपक पड़ी? सामने के घर में नई नई आई है। ये साइकिल पकड़, मैं अभी साले को पंचर किए देता हूँ। उस्ताद उस्ताद उस्ताद, छोटों के मुंह लगना तुम्हें शोभा नहीं देता, इसे मैं संभालूंगा। ठीक से समझा देना, अगर मर्दों को छेड़ने का इतना ही शौक है तो एक दिन कोटे पर बैठा दूंगा। फिकर नॉट उस्ताद, मैं उसे ऐसी हूल दूंगा कि जिंदगी भर के लिए गूंगी हो जाएगी। ए, क्या तुम घर में ये बोल के आई हो कि यहाँ से सही सलामत नहीं लौटोगी? अगर इस मोहल्ले में रहना है तो ठीक से रहो, वरना उस्ताद तोड़ फोड़ के कहीं बेच डालेगा। वो इंसान नहीं, हैवान है, हैवान। अबे, अरे बैठो। अच्छा ये बताओ, जब सब लोग उससे इतना डरते हैं तब तुम उसके साथ कैसे रह लेते हो? ये सवाल ठीक किया तुमने। उस पर जब दारू चढ़ जाती है तो वो जरूर किसी ना किसी को मारेगा। अगर कोई नहीं मिला तो मुझे बुलाकर पीटने लगता है। महीने में 5-10 बार मार खाई भी तो क्या, कभी कभी एक झटके में 200-300 रुपए दे देता है। वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर। यस यस, वेरी डेंजर आदमी। अठन्नी है। अठन्नी? ए रुपया है, चल रख ले, क्या याद रखेगा। थैंक यू। आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आखिर वो सब मेरे हाथ में है, मैंने उनको सब बता दिया है और सब बराबर कर देंगे। ए, क्या डायरेक्ट अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? मुझे जयकाल साहब से मिलना है। तो मैं यहाँ काहे के लिए खड़ा हूँ? जो भी कुछ कहना है मुझसे कहो। नहीं, मैं उन्हीं से कहूंगा। जानता है मैं कौन हूँ?
मेरा नाम है विनय चंद्र राठौर। शॉर्ट में क्या होता है? VCR, यानी क्या होता है? वीडियो। जयकार साहब अगर टीवी है तो मैं उनका VCR हूँ, समझा? जो रील मैं घुमाऊंगा वही उनकी पर्दे पर नजर आएगी, समझे क्या? कुछ भी हो, मुझे जो कुछ कहना है मैं उन्हीं से कहूंगा। तूने पैदा होते ही घिसा हुआ रिकॉर्ड सुना था क्या? एक ही जगह पे तेरी सुई अटक जाती है। मैं उन्हीं से कहूंगा। यार चल 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 चल, न जाने सरकार की कितनी सुरंगें खुली हैं, हर बात कहीं ना कहीं से घुसी जाती है। कैसे आना हुआ श्यामलाल? 50 बसों का रोड परमिट दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया सरकार। पान की दुकानों से जो अफीम गांजा बिकता है उनकी इनकम। सरकारी गोदाम से गेहूं के 2000 बोरे बेच दिए थे, ये उनकी रकम है। सरकारी फाइल में लिख दिया है 1000 बोरे तो चूहे खा गए और 1000 बोरे सड़ गए। जी सरकार, आपने ही मुझे दारू की दुकान का लाइसेंस दिया था ना? कुछ लोगों को दारू पिलाकर डायरेक्ट शमशान पहुंचा दिया क्या? VCR। बात यह है सरकार कि आजकल एक सब इंस्पेक्टर बहुत ही परेशान कर रहा है। उसको हड्डी नहीं डालता क्या? उसे हफ्ता तो देता हूँ सरकार, मगर अच्छी नस्ल का होगा इसलिए उसे बोटी भी चाहिए। क्या नाम है उसका? सत्य प्रकाश वर्मा। हेलो। अरे सत्य प्रकाश। सर, आई मीन यस सर। तू गुलाब राव दारू वाले को क्यों परेशान कर रहा है? वो अपनी ही पार्टी का आदमी है, मेरी पदयात्रा में भी वो आखिर तक मेरे साथ में ही था। खबरदार जो उसके पास से एक रुपया भी हफ्ता लिया तो। अरे ऊपर की कमाई करने के लिए तेरी इतने अच्छे इलाके में ट्रांसफर करवा दी है, और क्या चाहिए तुझे? सॉरी सर, आई एम वेरी सॉरी। अब मैं तो क्या, मेरे थाने का कोई सिपाही भी वहां से नहीं गुजरेगा। ओके सर। बेवकूफ कहीं का। गुलाब राव, तुम्हारे दारू के अड्डे पे मक्खियां तो भिन बना सकती हैं, लेकिन पुलिस नहीं आएगी। देखिए सरकार, जिसका इंतजार था वो आ गया। जरा चाल तो देखिए, मस्त चीते की तरह चलता है। इतना अर्जेंट क्यों बुलाया? किसी मरते के मुंह में गंगा जल डालना है क्या? बताता हूं। टांग टांग, मेरी टांगों के पीछे क्यों पड़े रहते हो? ओ, अरे तुम्हारी टांग नहीं, उसकी टांग। ए, तुम चरस भी क्या आए हो क्या? सरकार के सामने इस तरह बैठ गए, इनको इज्जत देनी चाहिए ना। करेक्ट। मैं इज्जत देने के लिए नहीं, अपना धंधा करके पैसा वसूल करने आता हूँ। क्यों नेगो? इसे नाम बिगाड़ने की बहुत बुरी आदत है। सरकार को तुम नेगो क्यों कहते हो? ने से नेता, गू से गू या गुंडा, तुम्हारा सरकार इन दोनों की मिलावट है, ठीक है ना नेगो? देख रहे हैं कैसी बातें कर रहा है। तोप जब उगलेगी आग ही उगलेगी। करेक्ट। करेक्ट क्या है? तिवारी, जिसके मुंह पर तुमने गोबर फेंका था, वो हमारी ही पार्टी का आदमी है, लेकिन उसका ग्रुप अलग है। हम दोनों अपने अपने आदमी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, वोटें बराबर की हैं। अब तुम्हारा काम यह है कि तिवारी के 3 MLA उठा के ले आओ, ताकि कल जब मुख्यमंत्री की इलेक्शन हो तो उसकी 3 वोटें कम पड़ जाएं और मेरा आदमी मुख्यमंत्री बन जाए। 3 MLA का 30,000 रुपया। मुंशी जी, ये तो बहुत ज्यादा है। तेरा बोझ भी धरती पर ज्यादा है। घबरा मत कुछ, मैं तुझे मारूंगा नहीं, क्योंकि तुझे मारने के लिए मुझे अभी तक पैसे नहीं मिले। ये कुछ क्या हुआ? कू से कुत्ता, चू से चूहा, ये ऐसा कुत्ता जिसका दिल चूहे का। संभाल अपने चूहे को नेगू। अभी उसने काम भी पूरा नहीं किया, आपने उसे पूरे पैसे दे दिए। ये वो गोली है जिसके बारूद में पैसों से आग लगती है। आग हमने लगा दी है,
गोली खुद ब खुद निशाने पे लग जाएगी।